2023 साल को अलविदा कहने का समय आ गया है और ऐसे में जब भी साल खत्म होता है तो सभी लोग साल में क्या किया, क्या हुआ इसे याद करते हैं। आज हम भी आपको महाराष्ट्र में बीते साल में क्या हुआ इसकी एक झलक दिखाएंगे। साल 2023 में राजनीति की बात करें और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की याद न आए ऐसा नहीं हो सकता है। अजीत पवार ने अपने चाचा का साथ छोड़ सत्ता पक्ष में आने का फैसला लिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ सत्ता में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री बन गए। इसी के साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा शरद पवार ने भी अध्यक्ष पद से राजीनामा देकर रिटायर होने का निर्णय लिया था, मगर कार्यकर्ताओं की आग्रह पर फिर से उन्होंने अपना पदभार संभाला। 2023 में सत्ता पक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विकास कार्यों का शुभारंभ किया। समृद्धि राजमार्ग शिवडी नावा सेवा शुरू करने के साथ साथ तटीय सड़क परियोजना को भी गति दी गई। सड़कों की साफ सफाई और अस्पतालों की हालत जांचने के लिए उनका सरप्राइज विजिट जारी किया गया है। अजीत पवार सत्ता में आने के बाद अपने गुट के विधायकों की बेचैनी को शांत करने में सफल रहे। साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार में दो गढ़ों के साथ सरकार चलाने की किमिया हासिल कर ली है। उन्होंने घर गृहस्थी संभालते हुए महाराष्ट्र को नशा मुक्त बनाने की चुनौती स्वीकार की। राज्य भर में 43 साइबर लैब शुरू की गयी। पुलिस विभाग का आधुनिकरण किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात हो और उद्धव ठाकरे की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। शिवसेना में फूट के बाद से उद्धव ठाकरे संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के फैसले और विधायक की अयोग्यता को विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया। नतीजा चाहे जो भी हो, ठाकरे ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 2023 में मौसम की भूमिका भी अहम रही। इस साल महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश के कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में ठंड के मौसम में बारिश की एंट्री नुकसान की रही। भारी बारिश, खराब मौसम और शुष्क दौर पिछले साल किसानों को मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के साथ साथ सूखे जैसी स्थिति से जूझना पड़ा था। जुलाई और अगस्त में भारी बारिश ने कई इलाकों में कृषि फसलें बर्बाद कर दी, लेकिन नागपुर जैसे शहरों में बाढ़ की स्थिति ने कहर बरपा दिया। किसान फसलों पर लगे झटके से उबरे भी नहीं कि असमय बारिश से फिर से फसलों पर मार पड़ रही है। इतना ही नहीं, नागपुर शहर में भी बारिश की मेहरबानी रही। जिन सड़कों पर वाहन चला करते उन सड़कों पर बोट भी चली। वो दिन नागपुर कर कभी भी नहीं भूल पाएंगे। कुछ घंटों की बारिश ने लोगों के घर और दुकान को जलाशय बना दिया था। शहर की कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। साल 2023 में जितना राजनीतिक महत्वपूर्ण था उतना ही आंदोलन के लिए भी था। इस बड़े आंदोलन की बात करें तो बरसों का आंदोलन कोकण से रिफाइनरी को बाहर निकालने के लिए रत्नागिरी जिले के बारसू सेलगांव में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कर्फ्यू का आदेश दिया गया। स्थानीय लोगों को डर था कि इस परियोजना से भूमि खतरे में पड़ जाएंगी, मछली पकड़ने समुद्री जैव विविधता प्रभावित होगी। इसके बाद आज भी जो मुद्दा गर्मा रहा है वो है मराठा आंदोलन। मराठा आरक्षण के लिए जरांगे पाटिल अनशन सभा ले रहे हैं। वही पहली बार किए अनशन के दौरान लाठीचार्ज की घटना भी सामने आई थी। जाए कौन मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, वही दूसरी ओर नागपुर में कुनबी ओबीसी मूवमेंट एक्शन कमेटी ने मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र न दिए जाने और आरक्षण न दिए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया है। ओबीसी से दिया गया। धनगर समुदाय ने भी एसटी वर्ग अनुसूचित जनजाति से आरक्षण की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन और मार्च किया। आज भी मुद्दा गर्माया हुआ है। साथ ही जनवरी माह में मराठा समाज की ओर से मुंबई में बड़ी संख्या में अनशन की चेतावनी दी गई है।